अवैध और केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता स्मृति ईरानी ने रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ दी है। स्मृति ईरानी ने यह दावा किया है कि ये ऐसे वक्त में किया गया जब राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी और रायबरेली की ओर बढ़ रही है। आपको बताएं, स्मृति ईरानी के इस दावे पर कांग्रेस अब असहज होती हुई नजर आ रही है। एक ओर जहां अजय राय लगातार यह कह रहे हैं कि रायबरेली की सीट से राहुल गांधी परिवार का कोई सदस्य ही चुनाव लड़ेगा, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे वो गाजे बाजे के साथ आए तो अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। वहीं प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े। लोग यहां नहीं भूले हैं कि इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषकर अमेठी के बारे में क्या कहा था। यहां के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक लोग उनके प्रति आक्रोशित है और माहौल ऐसा है कि रायबरेली की सीट पर उनका परिवार ने भी अब साथ छोड़ दिया है। हम अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेंगे। देखिए स्मृति ईरानी का यह बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूँ कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े, रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा, आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई। तो देखा आपने, स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की सूनी सड़कें ये साबित करती हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा और अमेठी ने राहुल गांधी को छोड़ दिया। इंडिया लाइंस पर स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं बचा, अब जो अपनी सीट बिना सहारे के नहीं जीत सकता वो किसी के साथ क्या सहारा बनेगा या किसी के साथ वो क्या साथ निभाता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव भी उनके साथ नहीं है। हम रायबरेली भी जीतकर और अमेठी भी जीतेंगे और 5 साल में हमने जो किया है इससे 50 साल पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में अमेठी ने 6,523 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। अमेठी के लोगों का गांधी परिवार के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। आज जब वो आप पहुंचे तो खाली सड़कें इस बात का सबूत देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि अमेठी में मैंने ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा जिससे कई लोगों का समर्थन प्राप्त था। खाली सड़कें बता रही हैं कि उनका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में स्मृति ईरानी को एक मौका मिल गया है कि राहुल गांधी के ऊपर वार पलटवार करने का। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं उन्होंने अमेठी के लोगों में अपना विश्वास खो दिया है? क्योंकि अगर वाकई में वहां के लोग उनको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं
नहीं आ रहे हैं तो राहुल गांधी की नैया अब कौन बार लगाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में, क्योंकि अखिलेश के साथ उनके रिश्ते में जो खटास मिटास सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, क्या आने वाले समय में वो खटास मिटती हुई नजर आएगी? ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या अखिलेश और राहुल एक साथ नजर आएंगे या फिर अमेठी में राहुल गांधी फिर से वापसी करेंगे। फिलहाल आपकी इस पर जो राय होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।